Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher Ananya and I'm back with a new lesson of your book that is Literary Journeys and English Reader for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we shall start with a new chapter that is The Pied Piper of Hamelin. एक बहुत ही फेमस स्टोरी है पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन की. ठीक है, हैमलिन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस और वहाँ एक पाइट पाइपर रहता था. तो देखते हैं, आइए उस पाइट पाइपर के बारे में पढ़ते हैं. बट बिफोर वी बिगिन द स्टोरी लेट्स डू द वार्म अप एक्सरसाइज. हैव यू एवर हर्ड अ स्टोरी ऑफ पाइट पाइपर फ्रॉम योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपने कभी अपने दादा दादी या मामा पापा से पाइट पाइपर की स्टोरी सुनी है? शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी है, मे बी कुछ लोगों ने नहीं सुनी है ना. इफ येस, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स टू. अगर आपको किसी ने सुनाई है तो आप भी अपने दोस्तों को वो कहानी सुनाइए. द कोर थीम ऑफ द स्टोरी पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन इज कीपिंग वैल्यू ऑफ वंस वर्ड. यानी अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस देते हो, किसी से कोई वादा करते हो, तो उसको हमेशा निभाना चाहिए. हमें बाद में अपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए. When the Pied Piper arrives on the scene and offers to rid the town of its rats problem, the mayor and his men hastily agree. Now let us read the amazing story. हैमलिन में चूहों का बहुत उत्पात मचा हुआ था. लोग चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान थे. हर जगह चूहे कुछ ना कुछ खराब कर रहे थे. वहाँ के मेयर ने घोषणा कर दी कि जो भी हमें इन चूहों से मुक्त करवाएगा, हम उसकी हर बात मानेंगे. पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, यानी हैमलिन के पाइट पाइपर ने आकर मेयर से कहा, अगर मैं चूहे निकाल दूं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मानेंगे. लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए, यानी पीछे हट गए. उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. तब पाइट पाइपर ने क्या किया, आइए देखते हैं. Hamelin is a small town in Germany. In earlier times, it used to be infested with rats. Germany के एक छोटे से शहर का नाम है Hamelin, जहाँ पहले पुराने समय में बहुत सारे छोटे छोटे चूहे रहा करते थे. वो बहुत परेशान करते थे वो जो चूहे थे. ठीक है, the rats ate all the food and destroyed everything in the houses and shops. जो rats थे वो सारा खाना खा जाते थे और सब जगह जो है डिस्ट्रक्शन कर देते थे. ठीक है, द पीपल ऑफ द टाउन ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ द रैट्स बट कुड नॉट चेज देम अवे. लोगों ने कई तरह की तरकीबें की, कई तरह की कोशिश की कि किसी तरह चूहों को भगा सके, कुछ ऐसा करे कि चूहे वहाँ नहीं आए. लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हुए. वो परेशान हो गए है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए. द पीपल ऑफ द टाउन ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ वेज टू गेट रिड बट दे फेल्ड. दे वेंट टू द मेयर एंड आस्क्ड हिम टू डू समथिंग अबाउट इट बट द ओल्ड मेयर टू वॉज हेल्पलेस. सभी लोग मेयर के पास पहुँचे, शहर के हेड थे वो, उनसे मदद मांगी, पर मेयर के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था. वो भी बेचारे लाचार और हेल्पलेस, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से सॉल्यूशन करें. वन डे अ स्ट्रेंज मैन केम टू हैमलिन एंड मेट अ मेयर. एक दिन एक अजनबी इंसान आकर मेयर से मिला. उसे भी इस चूहों की समस्या के बारे में जानकारी थी. ही वॉज ड्रेस्ड इन रेड एंड येलो क्लोथ्स. कैन यू सी दिस मैन, ही इज वेयरिंग रेड एंड येलो क्लोथ्स. He was tall and thin and wore a long red cap on his head. Look, he is wearing a red cap on his head. He also had a long pipe in his hand. See, his pipe. He is holding a pipe in his hand. The piper told the mayor, I am a piper. I can take away all rats. Will you give me 1,000 gold coins in return? The mayor said, I will give you 50,000 gold coins if you succeed. नाउ उस पाइपर ने कहा कि मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का हल कर दूं, अगर इन चूहों को भगा दूं, तो क्या आप मुझे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, सोने के सिक्के देंगे? मेयर बहुत खुश हुआ. उसने बात ही बात में प्रॉमिस कर दिया, हाँ
एक हजार की क्या बात है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, ठीक है। द पाइप पाइपर स्टेप्ड ऑन टू द स्ट्रीट, ही बिगन टू प्ले अ स्ट्रेंज लिटिल ट्यून। द टाउन पीपल कुड हियर द ट्यून इन एवरी कॉर्नर ऑफ हैमलिन। सडनली ऑल द रैट्स केम रनिंग टुवर्ड्स द पाइपर आउट ऑफ ऑल द हाउसेज एंड शॉप्स इन टाउन। बिग रैट, स्मॉल रैट, थिन रैट, फैट रैट। अब पाइट पाइपर ने एग्रीमेंट के मुताबिक वो बाहर गया और शहर के रास्ते से जाते हुए अपनी पाइप बजाने लगा। एक अजीब सी धुन वो बजाने लगा और उस धुन को सुन के लोग तो बाहर आए, पर हैरानी की बात ये थी कि वो धुन इतनी असरदार थी कि हर एक कोने से चूहे भी बाहर आ गए। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, हर तरह में कोने कोने से जो भी चूहा था वो पाइट पाइपर के पीछे पीछे चलने लगा। ही वॉक्ड अंटिल ही रीच रिवर। द रैट्स रैन डाउन एंड फेल इन टू द वॉटर एंड वर गॉन फॉर एवर। फाइनली पाइपर चलते चलते नदी किनारे पहुंचा और चूहे भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। फाइनली सारे चूहे जो है नदी में गिर गए और नदी के साथ बहते हुए कहीं और चले गए। हैमलिन चूहों से पूरी तरह से मुक्त हो गया। द पीपल और हैमलिन वर थ्रिल्ड। सब लोग खुश हो गए, सब खुशी से झूम उठे। दे थैंक द पाइप पाइपर, बट वेन द पाइपर आस्क्ड द मेयर फॉर हिज रिफंड, ही सेड, ओह आई वॉज नॉट सीरियस, टेक दीज 1,000 गोल्ड कॉइन्स एंड गो। अब पाइपर मेयर के पास पहुंचा, उसने अपना इनाम मांगा तो मेयर ने बोला, अरे अरे इतना बड़ा भी काम नहीं किया है तुमने, और वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कौन सा सीरियस था, ये लो 1,000 गोल्ड कॉइन्स लो और यहाँ से जाओ। अब पाइपर को गुस्सा आ गया कि मेयर अपनी बातों का उल्लंघन कर रहा है, वो बातें तोड़ रहा है, ही इज ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। द पाइप पाइपर गॉट वेरी एंग्री, ही वेंट आउट इन टू द स्ट्रीट एंड प्लेड हिज पाइप अगेन। दिस टाइम द ट्यून वॉज डिफरेंट, इट वॉज सॉफ्ट। अब वो दोबारा बाहर गया और सड़क पे जाते आते एक अलग धुन बजाने लगा। ये वाली जो धुन थी वो पहली वाली धुन से और ज़्यादा सुंदर थी, और ज़्यादा सॉफ्ट थी और बिल्कुल अलग थी। अब कोई चूहा बाहर नहीं आया, पर कौन बाहर आया, हर घर से जितने भी बच्चे थे वो सब बाहर आ गए और सभी जगह से बच्चे जो है हंसते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए पाइट पाइपर के साथ पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते वो घने जंगल में पहुंच गए और एक गुफा के अंदर जाकर गायब हो गए। द पाइपर वॉक्ड इन बिहाइंड देम एंड मैजिकल डोर सील्ड द केव शट। पाइपर उनके पीछे पीछे गया और उसके अंदर जाते ही जो गुफा का दरवाज़ा था वो मैजिकली बंद हो गया, यानी शहर के सारे बच्चों को पाइपर अपने साथ ले गया। Only one child returned to the town. Can you see this? All the children are following the piper. एक बच्चा जो है वो वापस शहर पहुंच गया। He was lame and could not run as fast as other children. वो लंगड़ा था इसलिए वो बाकी बच्चों की तरह जल्दी जल्दी जा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो पीछे छूट गया। When the children's parents heard the story, they went to the mayor and demanded that he bring their children back. अब पेरेंट्स तो सब परेशान हो गए, कहाँ गए हमारे बच्चे, कहाँ गए हमारे बच्चे। जब उस लंगड़े बच्चे ने आकर सब कुछ बताया तो सभी पेरेंट्स चिंतित होकर मेयर के पास पहुँचे। उन्होंने मदद मांगी कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बच्चों को वापस लेके आइए। द मेयर हैड लर्न द लेसन। मेयर वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, ही लर्न दैट ही हैड नॉट डन द राइट थिंग। उन्होंने पाइपर के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें अपना सबक मिल चुका था। ही वेंट टू द केव एंड कॉल्ड आउट टू द पाइपर। ही गेव द पाइपर अ बैग ऑफ 70,000 गोल्ड कॉइन्स एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक। मेयर पाइपर की गुफा के बाहर गए और फिर उसको आवाज़ लगाई। जब पाइपर बाहर आया उन्होंने उसको 70,000 गोल्ड कॉइन्स दिए और कहा कि अब बच्चों को आप वापस लौटा दो। Soon the door of the cave vanished and all the children came out laughing and dancing. जो दरवाज़ा था वो खुल गया और सब लोग खुशी होके हंसते नाचते वापस आए, सब अपने घर सुरक्षित वापस लौट गए। The piper left Hamlin and was never seen again.
पाइपर इसके बाद हैमलिन से गायब हो गया और फिर किसी ने कभी भी पाइपर को नहीं देखा। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, लाइक अ फेरी टेल। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द ग्लॉसरी। इन्फेस्टेड मीन्स एग्जिस्टेड इन लार्ज नंबर इन अ प्लेस कॉजिंग डैमेज, यानी किसी जगह पे बहुत दिनों से रहना और डैमेज क्रिएट करना। गेटिंग रिड ऑफ मतलब किसी को हटाना या रिमूव करना। सक्सीड मीन्स अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करना। प्रोसेशन मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स मूविंग वन आफ्टर अनदर, यानी एक के पीछे एक निकलना, ठीक है, बहुत सारी अमाउंट में या क्वांटिटी में या नंबर में। थ्रिल्ड का मतलब जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या उत्सुक होते हैं। रिवॉर्ड मीन्स जब हम किसी को कोई इनाम देते हैं कोई काम करने के लिए। डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना, वैनिश हो जाना। सील्ड मीन्स किसी चीज़ को कस कर बांध देना जिसको हम खोल ना सकें। डिमांडेड मीन्स किसी से किसी चीज़ की मांग करना। एंड लास्ट इज वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब डिसअपीयर हो जाना। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, जल्दी से एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। फर्स्ट वन, हैमलिन इज अ स्मॉल टाउन, हैमलिन एक छोटा सा शहर है इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, चाइना में। कहाँ पर है हैमलिन? हैमलिन इज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। सेकेंड, द स्ट्रेंज मैन वॉज ड्रेस्ड इन रेड एंड येलो क्लोथ्स, है ना, लाल और पीले रंग के कपड़े पहने थे, हमने पिक्चर में देखा है, और सर पर रेड कलर की कैप थी और हाथों में पाइप। थर्ड, ऑल द डैश केम रनिंग टूवर्ड्स द पाइप पाउपर आउट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स, चूहे, सबसे पहले तो चूहे आए थे ना। द पाइप पाइपर आस्क्ड फॉर डैश गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न, कितने गोल्ड कॉइन्स मांगे थे पाइप पाइपर ने? तो 1000 ही मांगे थे, पर मेयर ने अपनी तरफ से 50 यानी 50,000 देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो अपना प्रॉमिस भूल गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ लेट्स डू द फिफ्थ वन। नेक्स्ट टाइम जब अगली बार पाइट पाइपर ने धुन बजाई तो रैट्स तो थे नहीं, कौन बाहर आए? टाउन पीपल, चिल्ड्रन, इंसेक्ट्स और लेडीज। सो नेक्स्ट टाइम ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे थे वो पाइपर के पीछे पीछे चल पड़े। नाउ वी हैव अ हेल्प बॉक्स, वी नीड टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज वर्ड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैमलिन यूज़ टू बी इन्फेस्टेड विद, हैमलिन में कौन किस चीज़ से लोग परेशान थे? चूहों से, रैट्स, हैमलिन में रैट्स थे और उसकी वजह से बहुत परेशानी थी। सेकेंड, द स्ट्रेंज मैन वोर अ लॉन्ग रेड डैश ऑन हिज हेड एंड हैड अ लॉन्ग डैश इन हिज हैंड, लॉन्ग रेड कैप, है ना, बड़ी सी कैप रेड कलर की, एंड पाइप था उसके हाथों में, ही हैड अ पाइप इन हिज हैंड। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, द पाइट पाइपर आस्क्ड फॉर 1000 गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने 1000 गोल्ड कॉइन्स मांगे थे शुरू में। फोर्थ, द पाइट पाइपर टुक ऑल द रैट्स नियर द रिवर, सब चूहों को वो कहाँ लेके गया? नदी किनारे। द पाइट पाइपर टुक ऑल द चिल्ड्रन टुवर्ड्स अ केव, और बच्चों को गुफा के पास लेके गया। राइट, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस, आपने सभी को अच्छे से बुक में नोट कर लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर सी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टोरी इज सेट इन द टाउन ऑफ जर्मनी, येस दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है, जर्मनी में हैमलिन का शहर है, वहाँ की ही कहानी हमने पढ़ी है। द टाउन ऑफ हैमलिन वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स, बिल्कुल हैमलिन में चूहों की बहुत परेशानी थी, चूहों ने उत्पात मचाया हुआ था। थर्ड, द पाइट पाइपर वॉज ड्रेस्ड इन येलो एंड रेड क्लोथ्स, येस ट्रू, बिल्कुल लाल और पीले रंग के कपड़े पहने थे। फोर्थ, द पाइपर मेड ऑल द रैट्स डिसअपियर इन द केव फॉल्स, उसने रैट्स को तो नदी में डिसअपियर कर दिया, बच्चों को केव में लेके गया था। फिफ्थ, द पाइट पाइपर टुक द चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन टू अनदर सिटी, नो दिस इज फॉल्स। सिक्स, द मेयर गेव द पाइपर 70,000 गोल्ड कॉइन्स, येस दिस इज ट्रू। सो वी हैव डन द ट्रू फॉल्स ऑल्सो चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम दैट यू डू द डी एक्सरसाइज, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बट दिस इज टू बी डन ऑन योर ओन, ये आप खुद करेंगे। लेट्स क्विकली डिस्कस देम वन बाय वन।
people of Hamelin were, why were the people of Hamelin helpless? People of Hamelin were helpless because Hamelin was infested with rats. These rats were damaging each and everything. Second, describe the appearance of Pied Piper. Pied Piper dikhne mein kaisa tha? The Pied Piper was a long and thin man who wore red and yellow clothes. He had a long red cap and a pipe in his hand. Third, what happened when the Pied Piper played his pipe for the first time? When the piper played his pipe for the first time, all the rats followed him and came out of the houses. What happened when the piper played his pipe for the second time? When he played his pipe for the second time, all the children came out of their houses and followed the piper. Fifth, where did the children go? The children went behind the piper and the piper took them inside a cave and hid them there. Sixth, why did the mayor give 70,000 gold coins to the piper? The mayor gave 70,000 gold coins to the piper because he realized his mistake that he had not done the right thing by breaking the promise. Moreover, all the people had requested the mayor to help them get back their children. So, to get back the children from the piper, he gave the 70,000 gold coins to the Pied Piper. Okay? So, children, with this, we are done with today's session. I hope you like the story or aapko achche se story samajh aa gayi hogi. So, with this, we end with today's session. I will again meet you with a new chapter of your book, that is Literary Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. So, stay tuned for the upcoming video. Bye-bye and take care.